Hello candidates and welcome to Government Crackers. This is Kavita. After a very long request of candidates, I have come up with this particular session for AFSB preparation. This particular session will be important for all those who are going to attend AFSBs, and I will not only explain you the day-wise procedure of AFSB, but also what should be the right approach for AFSB preparation for beginners even as well as for repeaters, and why you should not miss your first opportunity. Also, I'll tell you what are the most common mistakes which candidates do in the stage one testing, that is your screening stage. They get screened out, even they don't realize what was the mistake. So what are the things that you should do in stage one testing so that easily you can qualify your stage one? We all will be discussing all this in this complete particular session. So stay tuned with me till the end, and also if you like the session, please subscribe to the YouTube channel of Government Crackers and share and comment all your doubts. I'll try to rectify all your possible doubts regarding your FSB preparation. Now let us start with the first thing, that is about the first opportunity or the golden opportunity. फर्स्ट अपॉर्चुनिटी इज वेरी 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 मच इम्पॉर्टेंट, बिकॉज वो आपको रिकमेंडेशन के बहुत ज्यादा करीब लेके जा सकती है. वाई आई एम सेइंग दिस, बिकॉज आप जनरल एक साइकोलॉजी सोचो, इफ समबडी हैज नॉट बीन अवेयर अबाउट द टेस्टिंग प्रोसीजर, चाहे आप घर से पढ़ के आए बट वो टेस्ट तो आप फर्स्ट टाइम दे रहे हैं. फर्स्ट टाइम देने के बाद इफ यू आर परफॉर्मिंग रियली गुड एंड अ कैंडिडेट जो रिपीट करके आया है, ही हैज नॉट परफॉर्म्ड अप टू द मार्क टिल योर लेवल, या उसने आप ही के लेवल का इक्विवेलेंट परफॉर्म किया है, सो द प्रायोरिटी विल बी गिवन टू अ फ्रेशर, बिकॉज आपने फर्स्ट टाइम में ये किया. तो सेकेंड टाइम में, दिस इज अ ह्यूमन साइकोलॉजी दैट सेकेंड टाइम में प्रोबेबली आप और भी अच्छा कर सकते हैं, ठीक है. सो इसीलिए मैं कह रही हूं, जिनकी भी पहली अपॉर्चुनिटी है, डू नॉट मिस दैट पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी, बिकॉज वहां पे आपकी जो मिस्टेक्स हैं, कुछ मिस्टेक्स को इग्नोर भी किया जाता है. अगर आपके पास, अगर आपके अंदर कुछ ओएलक्यूज दिख जाते हैं असेसिंग ऑफिसर्स को, एंड दोज क्वालिटीज आर इम्पॉर्टेंट फॉर यू नो द एकेडमी, दे विल इग्नोर योर स्मॉल मिस्टेक्स, एंड देन क्योंकि कुछ ट्रेनेबल क्वालिटीज होती है, कुछ इनबिल्ट क्वालिटीज होती है. जो इनबिल्ट क्वालिटीज आपके अंदर है, विच विल बी सूटिंग दिस पर्टिकुलर सर्विस, तो जो आपके अंदर ट्रेनेबल क्वालिटीज नहीं है, दैट विल बी इग्नोर्ड एंड यू विल बी इजिली रिकमेंडेड. सो जिनकी भी फर्स्ट अपॉर्चुनिटी है, डू नॉट गो विदाउट प्रिपरेशन. डोंट टेक इट लाइटली कि नहीं मैं तो खुद से करके चला जाऊंगा. डोंट फ्लो विद द रिवर, ठीक है. डोंट गो विद अदर्स, डोंट बी इन द क्राउड. Stand out like a leader. Be different from others. Plan करके जाओ आपकी golden opportunity, because after that आप अपने लिए खुद एक barrier create कर लेते हो being a repeater, ठीक है. Now repeaters, please don't get disheartened here. This is for the golden opportunity, definitely for freshers. आपके लिए भी मैं अभी बताने जा रही हूँ कि what you should do now, ठीक है. Now अब examination देने से पहले यहां से हम शुरू करें fresher या repeater दोनों के लिए, ठीक है. Now आपको जनरल प्रोसीजर पता होगा, बट फिर भी हैव अ क्लियर माइंडसेट अबाउट द एग्जामिनेशन दैट येस व्हाट ऑल स्टेजेस यू नीड टू गो. सो वेदर आप कोई रिटन एग्जामिनेशन दे रहे हो या आपने कोई डायरेक्ट एंट्री के थ्रू अप्लाई किया है, यू विल बी रिसीविंग द कॉल लेटर्स व्हेन शॉर्टलिस्टेड बाय रिटन एग्जामिनेशन या डायरेक्ट एंट्री फॉर योर एसएसबी इंटरव्यू. SSB इंटरव्यू जाने के बाद देयर विल बी अ सीरीज ऑफ 4 to 5 day processes, ठीक है. इसमें आपका CPSS, जो कैंडिडेट्स पायलट एंट्री के लिए जा रहे होते हैं, उसमें आपका CPSS इंक्लूडेड होता है. आफ्टर गेटिंग रिकमेंडेशन फ्रॉम SSB, यू विल बी गिविंग अ मेडिकल एग्जामिनेशन. जब वहां से आप फिट डिक्लेयर होते हैं, देन आप फाइट करते हैं ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट में, ठीक है. दिस इज द कंप्लीट प्रोसीजर. ऑल दोज हु क्वालिफाई दिस पर्टिकुलर मेरिट लिस्ट गेट डायरेक्टली कॉल फ्रॉम द एकेडमी. ट्रेनिंग होती है एंड देन यू गेट पास्ड आउट एज ऑफिसर. सो दिस इज योर कंप्लीट जर्नी, ठीक है. अब नाउ व्हाई आई एम सेइंग, मैंने फर्स्ट गोल्डन अपॉर्चुनिटी पे इतना फोकस इसलिए किया, या मैं कह रही हूं कि अगर आप रिटन एग्जामिनेशन, स्पेशली रिटन एग्जामिनेशन से अगर जा रहे हैं,
मेक श्योर कि इसमें आपकी अकेले 6 months की मेहनत आपकी रिटन एग्जामिनेशन की होती है एंड देन फर्दर आप SSB में जाते हैं, सपोजिंगली डे वन पे आउट हो जाते हैं, तो आपकी 6 months की मेहनत पूरी की पूरी बेकार हो जाती है। इसीलिए डू नॉट टेक SSB लाइटली। अगर आप इतनी मेहनत करके पूरा 1 साल लिटरली डिवोट करके आप पढ़ाई करते हैं एंड उसके बाद FSB में अगर आप परफॉर्म नहीं कर पाते, सो टेक FSB वेरी सीरियसली, ठीक है। नेक्स्ट इज गाइडेंस या सेल्फ स्टडी। तो जो सबसे पहला दिमाग में क्वेश्चन आता है कि कैसे प्रिपेयर करें, बिकॉज हम सोचते हैं कि सेल्फ प्रिपरेशन सफिशियंट होती है, तो येस आई वुड से सेल्फ प्रिपरेशन सफिशियंट होती है, मगर वी ऑल्सो नो दैट कि सेल्फ प्रिपरेशन में हमें कुछ चीजें पता होती हैं कि क्या करना है कैसे करना है। देयर इज अ सेट पैटर्न। सेल्फ प्रिपरेशन का ये मतलब नहीं कि जो भी हमने खुद से समझ लिया, हमारे अंदर कुछ डाउट्स भी होते हैं मगर हम वो खुद से समझ के या ना ओपन सोर्स से रीड आउट करके वी गो। देयर आर सर्टेन स्ट्रैटेजीज जो हमें बनानी पड़ती है। सेल्फ प्रिपरेशन इसलिए बोला जाता है, सेल्फ प्रिपरेशन बोलने का यही इंपॉर्टेंट मतलब होता है, बिकॉज इट इज ऑल अबाउट योर सेल्फ। आप इसमें द बेस्ट पार्ट हियर इज अगर आप बेस्ट रहोगे, यू आर नॉट कम्पीटिंग विद अदर्स। एक्चुअली यहाँ पे यही मिसकंसेप्शन है जिसकी वजह से एक्चुअली कैंडिडेट्स जो हैं वो मैक्सिमम स्क्रीन आउट हो जाते हैं। दे थिंक कि दे आर कम्पीटिंग विद अदर्स, बट एक्चुअली इट इज अबाउट योर सेल्फ। आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है स्क्रीनिंग में, हम उसको और डिटेल में अभी डिस्कस करेंगे। सो हियर मैं बता दूं, सेल्फ स्टडी इज ओनली रिक्वायर्ड इन द SSB प्रोसीजर। वाय? बिकॉज इट इज द कंप्लीट इंटरव्यू इज अबाउट योर सेल्फ। जो भी 3 से 4 दिन आप कर रहे हैं, 5 दिन, इट इज अबाउट योर सेल्फ एंड आप में ये 15 OLQs बेसिकली ढूंढे जाते हैं कि क्या आप में ये प्रेजेंट है या नहीं है। नाउ आउट ऑफ दिस फ्यू OLQs आर ट्रेनेबल एंड कुछ इनबिल्ट होते हैं। नाउ इनबिल्ट OLQs आर समथिंग विच कैनॉट बी चेंज्ड फर्दर एंड इनका होना मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। ट्रेंड OLQs क्या होते हैं कि ये आपको अकेडमी में भी अगर आपको रिकमेंड कर दिया जाए और अकेडमी में इसकी ट्रेनिंग दिखाई जाए तो आप सक्सेसफुल उसको ट्रेन ले लेंगे, आप उसको अचीव कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ समबडी इज एवरेज इन फिजिकल फिटनेस, सो दिस इज समथिंग विच अ कैंडिडेट्स कैन बी ट्रेन्ड इन। ठीक है, अगर आप अकेडमी जाते हैं आपको फिजिकल फिटनेस डेफिनेटली करनी ही पड़ेगी, वहां पे आपको ट्रेन कर दिया जाएगा एंड देन यू विल एक्सेल इन दिस, तो ये ऑल क्यों आपके अंदर आ जाएगा। बट वॉट इफ कि अगर आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कम है या आपकी सोशल अडेप्टेबिलिटी कम है, ठीक है, या आपका स्पीड ऑफ डिसीजन मेकिंग कम है, सो देयर आर सर्टेन फैक्टर्स जिसके लिए हमें थोड़ा सा, अगर ये होते सबके पास है ये OLQs, बट क्या होता है कि हमने उन्हें आइडेंटिफाई नहीं करा होता या उस फील्ड में काम नहीं करा होता। तो सेल्फ स्टडी का, सेल्फ प्रिपरेशन का ये मतलब होता है, दिस कंप्लीट टेस्ट इज अबाउट योर सेल्फ, बट येस अ पर्टिकुलर गाइडेंस इज इम्पॉर्टेंट एंड गाइडेंस बाय द फैक्ट दैट आपके दिमाग में जो भी डाउट्स हों वो डाउट्स क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अल्टीमेटली क्या होता है, एंड मोमेंट तक ये होता है डाउट्स ही नहीं क्लियर होते और आप उन डाउट्स के साथ एग्जामिनेशन देते हैं एंड दिस इज द रीजन व्हाई यू गेट स्क्रीन्ड आउट। ठीक है, अब और थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं SSB टेस्टिंग के। देखिए, यहाँ पे सब कुछ अंडर प्रेशर इसलिए कराया जाता है ताकि आपकी रियलिटी, आपका रियल नेचर बाहर आ जाए, दैट अंडर प्रेशर ही कोई भी पर्सन है वो ट्रूली बिहेव करता है। उसके अलावा इट्स अ सुपर इम्पोज पर्सनैलिटी, वेदर इट इज यू वेदर इट इज मी, बट इफ वी आर अंडर सर्टेन प्रेशराइज्ड सिचुएशन तो हमारी बॉडी का जो इंस्टिंक्ट रिएक्शन होता है, जो रियल रिएक्शन होता है, वो बाहर आता है। सो SSB इज अ गेम ऑफ टाइम बेसिकली, जहाँ पे आपको हर काम करने के लिए 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 30 सेकेंड, 1 मिनट, 5 मिनट मैक्सिमम दिया जाएगा कोई भी काम करने के लिए। नाउ टॉकिंग अबाउट स्टेज 1 जो आपका FSB में होता है, इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2। एक आपका स्क्रीनिंग हो जाता है, जो कैंडिडेट स्क्रीनिंग क्लियर करते हैं वो फर्दर उसी दिन देते हैं साइकोलॉजी टेस्ट, जिसमें फर्दर आपके सीरीज ऑफ टेस्ट होते हैं एंड ये वाले टेस्ट आपके नेक्स्ट फर्दर डेज में डिवाइडेड होते हैं एंड लास्ट डे यू हैव अ कॉन्फ्रेंस जहां पे अगर आप रिकमेंड होते हैं सो यू गेट क्लियर्ड एंड फिर आपका मेडिकल होता है फर्दर। ठीक है, नाउ योर वी ऑल नो कि ये जो साइकोलॉजी टेस्ट है इनका पैटर्न क्या है, सिलेबस भी वी ऑल नो। ठीक है, यूजुअली एग्जाम देने से पहले क्या पता करना होता है, हमें ये पता करना होता है कि क्वेश्चन क्या आएंगे, उनके उस अकॉर्डिंग हम आंसर्स प्रिपेयर कर लें।
यहाँ पे आपको ऑलरेडी पता है कि क्वेश्चंस क्या है, बट स्टिल हम प्रिपेयर करके नहीं जाते. वी से कि नहीं यार उस टाइम तो जो भी हम लिख लेंगे ठीक है, कुछ भी लिख लेंगे. डू नॉट डू दिस, यू नो डोंट डू दिस हैबिट, अदरवाइज यू विल कीप ऑन रिपीटिंग और ये साइकिल आपकी चलती रहेगी. तो इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट, यू रियली नीड टू वर्क हार्ड बिकॉज कॉम्पिटिशन ठीक है, आप अपने आप को, कॉम्पिटिशन इज अबाउट प्रेजेंटिंग बेटर देन अदर्स. आपको अपने आप को प्रेजेंट करना होता है देन अदर्स ठीक है. तो इसमें दूसरों के साथ कॉम्पिटिशन नहीं है, बट कॉम्पिटिशन एक जगह पे है, हाउ द अदर कैंडिडेट इज प्रेजेंटिंग हिमसेल्फ, हाउ यू आर प्रेजेंटिंग योर सेल्फ, यहीं पे डिफरेंस आ जाता है ठीक है. अब नाउ स्टेज वन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, सबसे ज्यादा लोग यहीं पे जो है वो बाहर निकल जाते हैं. इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. स्टेज वन को थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं. स्टेज वन में देखिए ये दो OIR टेस्ट आपके होते हैं जो 17 मिनट के होते हैं, ऑलमोस्ट दो टेस्ट होंगे ठीक है. इसमें आपको 50 क्वेश्चंस मिलेंगे जो सॉल्व करने को रहेंगे. फिर आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट PPDT जिसमें आपको 5 मिनट्स में 30 सेकंड्स में पिक्चर परसीव करनी होती है, 4.5 मिनट में स्टोरी लिखनी होती है. फिर आपका ग्रुप डिस्कशन होता है जो फर्दर आपका 1 मिनट का इंडिविजुअल नरेशन होता है, एंड ये आपका 7 to 15 मिनट्स डिपेंडिंग अपॉन ग्रुप, यहाँ पे आपका ग्रुप डिस्कशन होता है. नाउ दिस कंप्लीट स्क्रीनिंग प्रोसेस यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट यू आर योर गिवन एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू प्रेजेंट योर सेल्फ ठीक है. बहुत सारे कैंडिडेट, सबसे पहले तो एक मिथ बहुत बड़ा है कि GD में जो है इट बिकम्स अ फिश मार्केट. फिश मार्केट कैसे हैंडल करें, या बहुत लोगों को लगता है कि अगर हम GD में बहुत ज्यादा यू नो ग्रुप हैंडल करेंगे या मैनेज करेंगे या बहुत ज्यादा बोलेंगे तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, बट एक्चुअली इट रिजल्ट्स इनटू द वॉश आउट ऑफ कंप्लीट ग्रुप एंड नॉट सिलेक्शन. बहुत ज्यादा केसेस में ऐसा हो रहा है कि आजकल ग्रुप डायरेक्टली वॉश आउट हो जा रहे हैं. रीजन बीइंग बिकॉज नोबडी इज लिसनिंग एनीबडी, और आप भी उसी में इंक्लूड होते हैं. सो हियर एवरीबडी नीड्स टू अंडरस्टैंड कि अगर आप सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज देंगे बोलने की, बिकॉज यहाँ पे पूरे स्क्रीनिंग टेस्ट में आप देखो इंडिविजुअल अपॉर्चुनिटीज आपको हर जगह मिल रही है टू शो ऑल योर OLQs. OIR examination आप अकेले देते हैं, इसमें यू आर नॉट फाइटिंग विद एनी अदर, इट इज अबाउट आप कितना अच्छा करते हैं. अगर आपने 50 आउट ऑफ 50 कर लिया, सारे आपके सही हैं, आपका इफेक्टिव इंटेलिजेंस हो गया कि आप इंटेलिजेंट है ठीक है, आपने स्कोर किया 1 OLQ में ठीक है, OLQ में रैंक 1 आ गई आपकी, दूसरे कैंडिडेट ने भी रैंक 1 किया, आप दोनों को इक्वल ट्रीट किया जाएगा. ऐसा नहीं है कि देयर आर लिमिटेड सीट्स तो उसको निकाल दिया जाएगा या आपको निकाल दिया जाएगा. आपको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आप फाइट करो, आप पोजीशन सिक्योर करो, आपकी वैकेंसी सिक्योर है. उसी तरह PPDT में आपको भी पिक्चर दिखाई जा रही है, उसके बाद नरेशन में आप देखो आपको भी 1 मिनट मिल रहा है, बाकी लोगों को भी 1 मिनट मिल रहा है. सो हियर यू आर कंप्लीटली गिवन टाइम अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए फॉर दिस पर्टिकुलर सर्विसेज. इट इज हाउ यू टेक दिस पर्टिकुलर यू नो अपॉर्चुनिटी, क्या आप उसको यूटिलाइज करते हैं या क्या आप उसको खराब करते हैं. एंड देन फाइनली इन द GD इट इज अबाउट कमिंग टू अ पर्टिकुलर कंक्लूजन जहां पे आप सब लोग मिलके अपने अपने पॉइंट यू नो इफेक्टिव वे में एक ही करके कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, सो दैट आपकी भी स्टोरी सब सुने, दूसरे की भी आप सुने, और आप सबकी स्टोरी जो है वो एसेसर सुने, रेदर देन जहां पे आप फिश मार्केट क्रिएट करते हैं एंड इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर एवरी वन इवन फॉर यू. एंड उस चक्कर में क्या होता है, ग्रुप वॉश आउट भी हो जाता है. तो डू नॉट डू दिस थिंग ठीक है. इसके अलावा जब फिश मार्केट अगर क्रिएट हो जाता है, यू कांट डू एनीथिंग. उस केस में कैसे चीजों को हैंडल करना है, कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना है, किस तरह से पॉइंट्स देने चाहिए, ये बहुत सारे डाउट्स हैं जो कैंडिडेट्स के दिमाग में होते हैं. एंड इसके लिए देयर आर डिफरेंट मेथड्स कि आप उस सिचुएशन में कैसे अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे डील कर सकते हैं. सो स्क्रीनिंग को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वे में आपको लेना, बिकॉज योर आउट ऑफ यू नो रिपोर्टिंग जो होती है 300, 350+, 250+, आउट ऑफ दिस लेस देन 1/4 गेट स्क्रीन इन, दैट इज 20 to 22 का स्क्रीनिंग होता है, मैक्सिमम 25 or 27 ठीक है. स्पेशली स्क्रीनिंग में यही रेशियो देखा गया है. सो हियर यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट स्क्रीनिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज, एंड मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स व्हाट दे डू इज दे इग्नोर स्क्रीनिंग थिंकिंग दैट ये तो चलो ठीक है, इसमें दो ही टेस्ट होने, OIR को नोबडी कंसिडर्स एनीथिंग, PPDT ही इंपॉर्टेंट होती है, उसके बाद GD में देख लेंगे और रिजल्ट होता है स्क्रीन आउट. डोंट डू दिस. और फिर वो स्टार्ट कर देते हैं अपनी प्रिपरेशन साइकोलॉजी के लिए, इंटरव्यू के लिए, GTU के लिए, विच इज नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल. जब आप स्टेज वन नहीं क्लियर करेंगे, बाहर चले जाएंगे,
what is the use of preparing all this? ठीक है, so major thing is कि screening के लिए prepare करें, जो भी आपके दिमाग में doubts हैं, questions हैं, try to solve, पहले तो जो भी doubts हैं, whether you're a fresher, you're a repeater, कैसे approach करना है, क्या करना है, वो सारे doubts clear करना बहुत important है. जो भी आपके doubts हैं, आप कहीं पे भी, you know, किसी भी जगह जाएंगे, कोई भी आपके डाउट्स नहीं क्लियर करेगा, एवरीबॉडी विल टेल यू अबाउट व्हाट इज हैपनिंग. तो जो हैपनिंग है वो तो आप कहीं पे भी ओपन सोर्स में पता कर लेंगे. ठीक है, सो स्क्रीनिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. मैं कहूंगी स्क्रीनिंग मत इग्नोर करिए, स्क्रीनिंग के लिए प्रिपेयर करिए, बिकॉज अगर आप यहां से आगे फर्दर जाते हैं देन योर चांसेस ऑफ गेटिंग रिकमेंडेड इंक्रीज, अदरवाइज तो आप अपनी जर्नी में वापस हो जाते हैं. तो इसके लिए कि क्या आपका अप्रोच होना चाहिए स्टोरी राइटिंग के लिए, बिकॉज यहाँ पे पता है आपको स्टोरी आने वाली, तो स्टोरी लिखने का तरीका. स्क्रीनिंग में जो एक और चीज आपको बचा सकती है वो है आपका कम्युनिकेशन स्किल्स. ठीक है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल्स स्ट्रांग है, आप स्क्रीनिंग क्लियर करेंगे. नाउ देयर आर कैंडिडेट्स जिनके स्क्रीनिंग में, यू नो, दे आर अवेयर कि उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे नहीं है, स्टिल दे गो, दे बिकम रिपीटर एंड दे कीप ऑन रिपीटिंग. सो हियर आई एम नॉट डीमोटिवेटिंग यू, बट आई एम मेकिंग यू अंडरस्टैंड दैट व्हाई नॉट योर फर्स्ट अटेम्प्ट. ये एक ही अटेम्प्ट को आप अपना लास्ट अटेम्प्ट मान के अगर चलोगे और उस लेवल की अगर तैयारी करोगे तो ये रिपीट होने की नौबत ही नहीं आएगी. ठीक है, जो कैंडिडेट्स ऐसा सेल्फ एनालाइज करते हैं दे ओनली गेट रिकमेंडेड और स्क्रीनिंग क्लियर करते हैं. तो आप में भी है, एनीबॉडी कैन डू इट, आप भी कर सकते हो. यू जस्ट नीड टू हैव अ डीप एनालिसिस ऑफ योर सेल्फ एंड टेक स्क्रीनिंग सीरियसली. जैसे आप रिटन एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हो, अपने कॉलेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हो, उसी तरह यू हैव टू प्रिपेयर फॉर एसएसबी, बिकॉज इट इज रियली वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट इंटरव्यूज, जहां पे जो सिलेक्शन परसेंट है इट इज ओनली 2-3% ऑफ द टोटल आउट ऑफ 100. ठीक है, सो इसको क्लियर करने के लिए आप सोच लो कि आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी. नाउ जैसे मैंने बोला कि कौन सी बुक्स पढ़ें, कैसे प्रिपेयर करें, देखो आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाओगे, वहां पे नोबडी इज गोइंग टू टेल यू अबाउट योर सेल्फ, कि आपके पर्सनल लाइफ के बारे में वो नहीं जानते हैं. ठीक है, आपके स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के बारे में वो नहीं जानते, दे विल एक्सप्लेन यू द प्रोसेस एंड आप इसके लिए अपने घर से दूर जाओगे, मनी वेस्ट करोगे. ठीक है, और फिर भी आपके डाउट्स दिमाग में रहेंगे, क्योंकि वहां पे जाके वो आपको कुछ ऐसा अलग नहीं बताते. यहाँ पे सेल्फ प्रिपरेशन, जैसे मैंने बोला द टर्म इज इम्पॉर्टेंट, सेल्फ प्रिपरेशन ही रिक्वायर्ड है, लेकिन एक गाइडेंस के साथ. ठीक है, अब उस गाइडेंस में सबसे पहले आता है कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हों, जो भी दिमाग में है जब तक वो क्लियर नहीं होंगे तब तक आप एसएसबी क्लियर नहीं कर सकते. सेकंड इज कि प्रेशर वाली सिचुएशन को हैंडल करना. प्रेशर जब क्रिएट हो जाता है उस टाइम पे आपका रिएक्शन कैसा होता है, आपको सेल्फ एनालाइज करना होगा, कैसे हैंडल करना होगा, क्या अप्रोच होता है, क्या स्ट्रेटजी होता है. थर्ड होता है, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, रीजन बीइंग इट इज द ओनली लैंग्वेज यूजुअली प्रेफर्ड बाय डिफेंस पर्सनल्स टू कम्युनिकेट, एंड आप जितना अच्छा फर्स्ट इंप्रेशन बोलते हैं ना, तो जितना अच्छा आपका फर्स्ट इंप्रेशन रहेगा उतना ज्यादा आपके चांसेस होते हैं सिलेक्शन के लिए. ठीक है, अब आप कोई भी बुक देखिए, यू आर गेटिंग वन स्टोरी, टू स्टोरीज, और तो सेम बुक जो है वो रेफर कर रहे हैं आपके बाकी के भी कॉम्पिटिटर्स. फॉर एग्जाम्पल, इफ समबडी इज रीडिंग बुक ए, जो कि बहुत फेमस बुक है एसएसबी के लिए, ठीक है, बाकी सारे बच्चे भी तो वही बुक्स पढ़ रहे हैं बिकॉज वो रीडिली अवेलेबल है मार्केट में. सो यहाँ पे अगर आप वहां से कोई स्टोरी लिखते हैं, बाकी के बच्चे भी वो स्टोरी लिखते हैं, दिस एसएसएस आर जजिंग फॉर स्टूडेंट्स मोर देन 40+ years बैठ के वो वहां पे जज कर रहे हैं, 30+ years उनके करियर का दे आर जजिंग देयर. तो स्टोरी सेम हुई आपका इनोवेशन, आपको लगता है यू हैव रिटन द स्टोरी वेरी वेल, बट अगर आप उसको खुद जज करने बैठोगे यू विल रियलाइज दैट भाई मैंने कुछ अलग नहीं किया, जो बाकियों ने किया मैंने भी वही किया. द ओनली कैंडिडेट विच गेट स्क्रीन इज जो अपनी खुद की स्टोरी लिख के आता है. ठीक है, बिकॉज सबका परसेप्शन अलग होता है, सबका व्यू अलग होता है, उसकी स्टोरी अलग होगी, उसका कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगा, रिजल्ट इज 100% स्क्रीन इन. तो ये आदत डालो अपनी स्क्रीनिंग की. ठीक है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो. मैंने बोला मटेरियल आपको पता है, सेट ऑफ क्वेश्चंस क्या है मटेरियल के लिए. हियर आई हैव यू नो सैंपल मटेरियल्स, यू नो एक्सटेंसिव प्रैक्टिस मटेरियल, जो आपको गाइडेंस, क्लियर गाइडेंस देगा. देखो सेल्फ गाइडेंस में आपको कहीं भी नेट पे जाके इंफॉर्मेशन अवेल करने की जरूरत नहीं है.
हर टेस्ट से रिलेटेड यहाँ पे आपको बुक्स प्रोवाइड की गई हैं, जो कि आपको सैंपल भी, एक्सटेंसिव सैंपल भी प्रेजेंट करेंगी और एक्सटेंसिव प्रैक्टिस भी मटेरियल प्रोवाइड करेंगी. द ओनली थिंग हियर यूज टू डू इज कि आपको अपने थॉट्स प्रोवाइड करने. फॉर एग्जाम्पल सिचुएशन SRT 500 सॉल्व SRT यहाँ पे है, 500 प्रैक्टिस के लिए आपको दी गई है. ऑन बिहाफ ऑफ दीज 500 आपको अपने थॉट्स एक्सप्रेस करने हैं. सो जब आप इतनी प्रैक्टिस करके जाते हैं, आई अश्योर यू कि आपको कोई SSB से नहीं निकाल सकता अगर आपने उस लेवल को अचीव कर लिया होता है, रेदर देन यू नो हैविंग दिस रेपिटेटिव कॉन्वर्सेशन, रेपिटेटिव रिपीटेशन ऑफ स्टोरीज जो नेट पे अवेलेबल है या जो बुक्स पे अवेलेबल है. You have to analyze yourself. You have to make yourself stand out from the crowd. The day you will do it, you will be an effective leader and definitely clearing your SSB with flying colors. So all this is available, including video lectures, free mock test, ये सब कुछ. प्लस आपके जितने डाउट्स हैं आप इंडिविजुअल लेवल पे मेरे साथ क्लियर कर सकते हैं. आप टेक्निकल टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं. डाउनलोड करके गवर्नमेंट क्रैकर्स ऐप दोनों ही जगह अवेलेबल है, गूगल प्ले स्टोर, एप्पल प्ले स्टोर पे. एंड इसमें आप इंडिविजुअल मेरे साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, आपके सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं. उसके बाद आप अपना मॉक ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं. ऑनलाइन मटीरियल है, ऑनलाइन प्रिपेयर कर सकते हैं. अफोर्डेबल कॉस्ट है इसकी, आपको कहीं ट्रेवल करने की जरूरत नहीं. घर से आप अपनी सेल्फ प्रिपरेशन करके और अपने SSB देने जा सकते हैं. सो आई होप दिस वॉज अ यूजफुल एंड डिटेल सेशन फॉर यू. सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन. टिल देन जय हिंद.